हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जुनून क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली राजस्थान प्रदेश के सभी कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। उनका जो मेन एग्जाम है, फाइनल जो एग्जाम है, उसका टाइम टेबल आज जारी हो चुका है। काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे बच्चे। 10वीं का टाइम टेबल आ गया था, 12वीं का आ गया था, 9वीं 11वीं जो नॉन बोर्ड क्लास है उनका भी टाइम टेबल आ गया था, और बाकी था सिर्फ 8वीं का टाइम टेबल आना। तो फाइनली 8वीं कक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका कौन सा पेपर किस डेट को होगा, कब से होगा, टाइमिंग क्या रहने वाली है, क्या मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, क्या इवनिंग शिफ्ट में होगा, सारी बातें बताने वाला हूं। और एंड तक आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं इसमें रणनीति भी बताऊंगा कैसे आप प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें जिससे आपकी अच्छी परसेंटेज बने, क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपका पेपर आने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो सारी चर्चा करने वाला हूं, पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। और जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि जो कक्षा 8 है वो प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती विभाग बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत आती है, और जो भी टाइम टेबल या जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं वो सब इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं। तो आप सभी को पता है कि कक्षा 8वीं जो बोर्ड है वो उसका जो टाइम है, पेपर का जो टाइम होगा आपका 2 बजे से 4:30 बजे तक होने वाला है। 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा, 2 बजे आप पेपर देने जाएंगे और 4:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। अब 10th और 12th का टाइमिंग क्या है, क्योंकि उनका पेपर भी 6 मई से हो रहा है, आपका पेपर भी 6 मई से हो रहा है, उनका मॉर्निंग में रहने वाला है, उनका सुबह 8:30 से होगा और आपका आफ्टरनून में 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। पहला पेपर 6 मई 2021 को ही आपका, गुरुवार से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका जो पेपर है वो 6 मई को होगा। उसके बाद में 6 मई के बाद में 7 को कोई पेपर नहीं है, 8 को कोई पेपर नहीं है, 9 को और 10 को भी कोई पेपर नहीं है। 11 मई को आपका पेपर होगा मंगलवार को हिंदी सब्जेक्ट का, 11 मई को आपका पेपर होगा मंगलवार को हिंदी सब्जेक्ट का। उसके बाद में फिर 11 के बाद 12 को कोई पेपर नहीं है, 13 को कोई पेपर नहीं है, 14 को कोई पेपर नहीं है, 15 को पेपर होगा, 15 मई को पेपर है आपका, शनिवार को गणित का पेपर होने वाला है। इसके बाद में बताना चाहूँगा, गणित के बाद में आपका जो पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विज्ञान का पेपर है, विज्ञान का पेपर 19 मई को होगा, 19 मई 2021 बुधवार को आपका विज्ञान का पेपर होगा। इसके बाद में 22 मई 2021 की बात करूँ तो शनिवार को आपका पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, और लास्ट में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 25 मई 2021 मंगलवार को आपका पेपर होगा संस्कृत तृतीय भाषा का। इसकी जगह आपकी हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जनरली राजस्थान में देखा जाए सभी विद्यार्थी संस्कृत भाषा यूज करते हैं, तृतीय में यही चूज करते हैं और इसी का पेपर होगा। तो आपके पूरे 6 पेपर होने वाले हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। आपकी टोटल 6 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपके सामने है। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है। आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्जाम है बोर्ड ही होगी, और 6 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो वापस से बताना चाहूंगा, 6 मई 2021 गुरुवार अंग्रेजी सब्जेक्ट, कितने दिन का गैप मिला है आपको हिंदी के लिए, तो काफी दिन का गैप मिल गया है, 7 का गैप, 8 का, 9 का और 10 का, 4 दिन का आपको गैप मिल गया। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखो हिंदी तो इजी सब्जेक्ट होती है, नॉर्मली आप सब लोग पढ़ लेते हैं, तो आप देखेंगे हिंदी के बाद में गणित का है, तो आप गणित की तैयारी कर सकते हैं, और गणित की तैयारी आप इसी गैप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के बाद में आपको कितने दिन का तैयारी का टाइम मिलेगा गणित के लिए, तो ये मिलेगा आपको जैसे हिंदी का हो जाएगा 11 को, 11 के बाद 12, 13 और 14, आपको यहाँ पर 3 दिन का गैप मिलने वाला है। और उसके बाद में विज्ञान का पेपर होगा, विज्ञान के लिए आपको कितना गैप मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 16, 17 और 18, 3 दिन का गैप मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सेम है 10वीं का जो टाइम टेबल है वही आपका टाइम टेबल है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, ओनली टाइमिंग का। 10वीं का पहले अंग्रेजी का ही होगा, फिर हिंदी का होगा, फिर गणित का, फिर विज्ञान का, फिर सामाजिक विज्ञान का, फिर संस्कृत का, सेम ही है। 19 मई को 10वीं का साइंस का पेपर है और 19 मई को ही 8वीं का साइंस का पेपर है, बस टाइमिंग अलग है, आपका इवनिंग में, इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में साइंस हो जाएगा आपका, साइंस के बाद में आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, 20 और 21, 2 दिन का गैप मिलने वाला है। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान का है, फिर लास्ट पेपर आपका होगा संस्कृत का, और इसमें जो गैप मिल रहा है आपको वो गैप मिल रहा है 23 और 24 का, 2 दिन का गैप इसमें भी, यानी प्रत्येक पेपर में आपको गैप मिल रहे हैं, आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सिलेबस आपका बहुत कम है, आप सभी को पता है कक्षा 8 का जो सिलेबस है ओनली 50% है, 50% आपको पढ़ना है,
पैटर्न भी इजी कर दिया है, बहुत आसानी से आपके नंबर आएंगे, आसानी से आप पास हो जाओगे, बस जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो यहाँ पर मैं आपको पैटर्न समझाना चाहूंगा, कक्षा आठवीं का पैटर्न क्या रहेगा। आप सभी को बताया कि 50% सिलेबस है, तो 50% ही नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ओनली 50 नंबर का आपका पेपर होगा, बाकी के 50 नंबर स्कूल लेवल पे जो भी आपके टेस्ट हुए हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या अर्धवार्षिक जो भी आपकी एग्जाम हुई है, जो टेस्ट हुए हैं उसी के आधार पर बाकी के 50 नंबर आपको भेजे जाएंगे और 50 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक विषय का आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके अलावा आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस, वन लाइनर और छोटे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत आसान पेपर पैटर्न रहेगा। तो आप तैयारी शुरू कर दें, 6 मई को आपका पेपर है। तो फाइनली सबका टाइम टेबल आ चुका है, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबका टाइम टेबल आ गया, 8वीं का भी आ गया, मतलब जो ये समय है वो पढ़ाई का समय है, क्योंकि आपकी एग्जाम पास में, तो तैयारी करते रहें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।